फ्रेंड्स, कैसे हो आप। विकली कुकिंग मॉम के साथ में आपका स्वागत है। आज फिर से हम आपके लिए एक नई रेसिपी लेकर आ गए हैं, पाव पिज्जा। सुनते हैं आपके मुंह में पानी आ गया होगा, तो आइए शुरू करते हैं। प्याज ली है यहाँ पे मैंने, टमाटर लिए हैं, कैप्सिकम लिए हैं, और कॉर्न लिए हैं। आप दूसरे किसी टॉपिंग्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि ऑलिव्स या फिर पनीर। इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है। अब इसमें मायोनीज डालेंगे, दो से तीन बड़े टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मायोनीज ली है। ओरिगैनो और बेजिल डालेंगे। और अच्छे से हमें इसे मिला लेना है। देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है और अब हमारा जो मिश्रण है वो रेडी है। पाव लेंगे, यहाँ पर मैंने दो पाव लिए हैं। अब इसे हमें बीच में से कट करना है। मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब इसमें हम पिज्जा सॉस लगाएंगे। ये मैंने होममेड पिज्जा सॉस का यूज किया है, आप बाहर से भी ले सकते हैं। अब इसमें हम चीज डालेंगे। यहाँ पे मैंने डाइस चीज का यूज किया है। और बैटर जो हमने रेडी करके रखा था अब वो डालेंगे। लग रहा है ना एकदम डिलीशियस। अब चीज स्लाइस डालेंगे इसमें। और फिर से थोड़ी सी चीज डालेंगे। करो चलो। अब जो पाव है वो उसके ऊपर हम रख देंगे और इसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। पतीला है वो मैंने 5 से 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास ओवन है तो आप ओवन में भी रख सकते हैं। अब इसमें हम पाव रखेंगे। पाव मैंने इसमें रख दिए हैं। अब इसे हमें ढककर चीज मेल्ट होने तक पकाना है। 10 मिनट हो गए हैं और देखिए हमारी जो चीज है वो मेल्ट हो गई है। ये देखिए हमारे चीजी पाव तैयार हैं। लग रहे हैं ना कितने चीजी। आप भी बनाइए, जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को मत भूलिए।